अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम आरपीडी क्रॉस के यहाँ पर मौजूद हैं, कई हज़ारों की तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज नतीजों का दिन है, आज ही हुकूमत किसकी बनेगी इसका फैसला होगा। लिहाजा बेलगाम के जितने भी हलके हैं उनके नतीजे भी जल्द आने हैं, लेकिन जिस तरह से तेजी से नतीजे बाहर आने थे आ नहीं पाए हैं। सिर्फ लक्ष्मी है बाकर ग्रामीण और बेलगाम साउथ अभय पाटिल को लीड दिखाया जा रहा है, लेकिन ये बैलेट पेपर ये बैलेट की काउंटिंग है, लिहाजा इसी को जो है लीडिंग के तौर पर बताया जा रहा है। अभी तक बेलगाम नॉर्थ राजू सेठ या रवि पाटिल के बारे में अभी तक नहीं आया है नतीजे, लेकिन अगर आप पूरी रियासत के देखेंगे तो हुकूमत कांग्रेस बनाती नजर आ रही है रुझानों में, क्योंकि 118 से आगे निकल चुकी है। और अहम बात यह है कि गोकाक से रमेश जारकीवाली पिछड़ते हुए देखा जा रहा है। इसी तरह से सतीश जारकीवाली का भी अभी उस हद तक वो वोट लेने में इत्मीनान बख्श नहीं है। लिहाजा कुल मिलाकर अगर एक तस्वीर देखी जाए तो बेलगाम हो या फिर कर्नाटक के दिगर जगहों पर कांग्रेस बढ़त हासिल करती हुई देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कैसे उम्मीदवार जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसी तरह के उसी रास्ते पर नतीजे निकलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पीछे स्क्रीन भी है इलेक्शन कमीशन का, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी उन्होंने कुल भाजपा 12 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 में दिखाते हैं। अभी तक किसी भी पार्टी के नतीजे नहीं निकले हैं। अब जल्द देखना है कि किस तरह से तकरीबन 12 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। इतना जरूर है कि बेलगाम में ही धीमी रफ्तार से नतीजे आ रहे हैं, आना चाहिए था। अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं, बाहर भी खड़े हैं, देख सकते हैं आप। आसिफ राजू सेठ का जीतना यकीनी माना जा रहा है और इसी तौर पर एक तरह का कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। उसी तरह भाजपा कहीं तो मायूसी में है और उन्हें ये पता चल चुका है कि इस बार हुकूमत कांग्रेस बनाएगी। देखते रहेंगे हम, आप देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। इसी तरह से आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। सिर्फ रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़त हासिल करती हुई देखी जा रही है, इस बार यकीनन भाजपा पिछड़ते नजर आ रहा है। भाजपा का जीतना इस वक्त काफी मुश्किल है। कांग्रेस की जो गारंटी जो उन्होंने दी थी, कहीं तो भी कांग्रेस गारंटी का असर आवाम में देखा जा रहा है। अभी ईवीएम मशीन को खोला गया है और पहला राउंड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और पहले राउंड में अगर बेलगाम नॉर्थ की बात की जाए तो आसिफ राजू सेठ को से आगे रवि पाटिल चल रहे हैं। भाजपा 2000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आए, लेकिन ये शुरुआती रुझान है और ये बैलेट के बाद फर्स्ट राउंड जिसे कहा जाता है, तो बैलेट में इस तरह के यानी कि इस तरह की तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अभी बेलगाम नॉर्थ के भी रुझान आने शुरू हुए हैं। उसी तरह से बेलगाम ग्रामीण में 3000 वोटों से लक्ष्मी हेब्बाड़कर आगे है, 1000 वोट नागेश मनोलकर को दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से बेलगाम साउथ में अभय पाटिल आगे हैं, अभय पाटिल भी 3000 वोटों से आगे हैं। तो इस तरह से बेलगाम ग्रामीण, बेलगाम रूरल और बेलगाम नॉर्थ के नतीजे देखने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बेलगाम नॉर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा तजस्सुस है, क्यूरियासिटी है, क्योंकि इस बार राजू सेठ का जीतना यकीनी बताया जा रहा है और रुझानों भी इस तरह से है। और अगर एग्जिट पोल का भी अंदाजा लिया जाए तो कांग्रेस की हुकूमत ऑलरेडी बन चुकी है और रुझानों में
तो कांग्रेस की हुकूमत अब तक आ चुकी है। बेलगाम ही के जो नतीजे जल्द आने थे लेकिन काफी देर हो चुका है, 2 घंटे की देरी बताई जा रही है, लिहाजा अब यहाँ पर जल्द से जल्द नतीजे बरामद होंगे, 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, इस तरह से बताया जा रहा है। कुल मिलाकर बेलगाम नॉर्थ की बात की जाए तो रवि पाटिल आगे हैं और 2000 वोटों से राजू सेठ पीछे हैं जल्द, लेकिन अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं तो उसमें कई सारी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। अगर एक पूरा एक अंदाजा लगाया जाए कि बेलगाम नॉर्थ की वोटिंग का कि 59.53% हुआ है तो उसमें राजू सेठ तकरीबन 65,000 वोट ले सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। उसी तरह से 55,000 के करीब रवि पाटिल ले सकते हैं, 12,000 से 15,000 समिति ले सकती है, इस तरह का एक कयास है। ये कयास है, अभी तो हकीकत तो अभी हाल ही जल्द ही सामने आएगी, देखेंगे कि क्या नतीजे बरामद होते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त अभी इंतज़ार करने के लिए नहीं है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना ज़रूरी भी नहीं है, जल्द हमारे सामने नतीज आएंगे। तब तक खानापुर की भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। खानापुर में अंजलि निंबाकर पीछे जा रही है और वहां पर भाजपा का जो कैंडिडेट है वो आगे है, लिहाजा इसी तरह से बेलगाम नॉर्थ से राजू सेठ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आवाम भी यहां पर काफी, यहां पर एक खास बात देख सकते हैं कि यहां से भाजपा के झंडे गायब नजर आ रहे हैं, कोई भी भाजपा के परचम यहां पर कोई लहराता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आवाम क्या कहती है इस पर हम देखेंगे। आप किसके हिमायती हैं? राजू सेठ। अच्छा, राजू सेठ, राजू सेठ, राजू सेठ, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, राजू सेठ। यहाँ कांग्रेस पार्टी के हिमायती और खासकर राजू सेठ के हिमायती यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो राजू सेठ को की जीत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, वो जश्न मनाना चाहते हैं। लिहाजा इतना जरूर है रुझानों में कांग्रेस हुकूमत बना चुकी है, वो 135 से भी आगे जा चुकी है। उसी तरह से 75 पर भाजपा अटकी हुई है और 30 के करीब 30 से 35 जेडीएस नजर आ रही है। बेलगाम नॉर्थ, बेलगाम साउथ और बेलगाम ग्रामीण में अगर तस्वीर देखी जाए तो लक्ष्मी हेब्बाळकर आगे है और चौगले एक चीज यहाँ पर गौर करने की ये बात है कि यहाँ पर मराठी जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है उसको भी वोटिंग काफी ज्यादा हुई है। मनोलकर यहाँ पर तीसरे नंबर पर नजर आ, भाजपा यहाँ पर रेस में है भी नहीं है। इसी तरह से अगर गोकाक की तस्वीर देखी जाए, जिस तरह से सरकार बदलने वाले और सरकार गिराने वाले बनाने वाले के तौर पर जारकिहोलियों को देखा जाता है और खासकर में जारकिहोली पिछली मरतबा जैसे हमने देखा था कि कांग्रेस की हुकूमत को गिराकर उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया था, लेकिन वो इस बार खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि महंतेश कड़ाड़ी आगे नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी तब्दीली कह सकते हैं कि जारकिहोली जहां पर उनका गढ़ कहा जाता है ऐसी जगह पर वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। राजू सेठ भी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं लेकिन रवि पाटिल भी मुकाबला कांटे का मुकाबला करते हुए देखा जा रहा है। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। हमें हमारी फिलहाल तो महेंद्र है जो कुर्सी क्षेत्र के जो कुर्सी से 11,000 से लीड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले बार दो बार शासक रह चुके पी राजू सर इस बार कुर्ची गांव से खास करके कुर्ची से पीछे चल रहे हैं 10,000 के वोटों से पीछे। नहीं, पी राजू पिछली मरतबा जीत दर्ज किए थे और कुर्ची में अक्सरियत मुसलमानों की है, वो बीजेपी के होने के बावजूद भी मुसलमानों का उन्हें कैसे सपोर्ट हासिल हुआ, ये भी एक बात। नहीं बिल्कुल, इसमें आप देख रहे हैं कि अभी कुर्ची की जब वोटिंग शुरू है तो कहीं ना कहीं पूरा उन्होंने नजरअंदाज किया है कुर्ची के मुसलमानों के सामने। फिलहाल उनके पीछे लेके जाइए तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने मुसलमान के बारे में ऐसी कुछ बातें भी कही है जो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए, इसी के वजह से यहाँ पर कुर्ची गांव में बदलाव आया है। नहीं नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पी राजू तो एक पार्टी लाइन पर जा रहे हैं, जैसे कि भाजपा मुस्लिम विरोधी के तौर पर देखा जाता है तो वो तो बयान वो देंगे, लेकिन मुसलमानों ने कैसे फैसला लिया था कि हम भाजपा को वोट करेंगे, क्या वजह थी?
लास्ट टाइम की बात करेंगे। लास्ट टाइम इसीलिए क्योंकि एक अच्छे वर्कर थे, उनका हमने देखा था कि कुछ करने के लिए आए थे वो, और खास करके उनकी से हमें काफी उम्मीद थी कुर्ची गांव में कि हमारा गांव एक तरक्की करेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इसी उम्मीद पर हमने वोट डाला था। मगर लॉकडाउन में आपको तो पता है कि लॉकडाउन एक बहुत बुरा दौर से हमारा गांव गुजरा है, वहां पर कोई भी दूर दूर तक उनकी कुछ मदद नहीं हुई। अब इस बार तमन्ना और जीतेंगे, महेंद्र तमन्ना और हमारे बहुत आगे चल रहे हैं, हमारी दुआ है, हमारी सबकी यही मेहनत है कि कहीं ना कहीं 15-20 हजार से हमारी सीट जीत रही है। कुर्ची महेंद्र तमन्ना और की हिमायती यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह से राजू सेठ के भी यहाँ पर हिमायती है और वो भी कांग्रेस। खास बात यह है कि यहाँ से भाजपा के परचम गायब हैं, यहाँ पर भाजपा के परचम नजर नहीं आ रहे और उन्हें शायद पता चल चुका है कि हुकूमत कांग्रेस की बनने वाली है। आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप देखते रहिए इत्तेहाद दूस। कसीर तादाद में लोग आते हुए भीड़, अब आरपीडी कॉर्नर की तरफ, आरपीडी कॉलेज में गिनती चालू है, वोटिंग जारी है। यहाँ पर अपने तालुके से हम लक्ष्मण सऊदी जीतने का गारंटी है, 30,000 लीड से जीतेंगे। लक्ष्मण सऊदी पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस में आने के बाद आप सिर्फ कांग्रेस में आए इसलिए वोट कर रहे हैं या आप पहले से कांग्रेस को वोट कर? हम पहले से ही कांग्रेस को वोट करते हैं, लक्ष्मण सऊदी को अन्याय हो गया है बीजेपी में, उसलिए कांग्रेस के आई। तो बीजेपी में अन्याय हो गया? हाँ। तो बीजेपी में अन्याय हो गया तो कांग्रेस में आ गए इसलिए आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? पहले से ही कांग्रेसी हैं और अन्याय होने की वजह से कुछ वोट दे रहा ऐसा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिमायती। लक्ष्मण सऊदी अथनी से यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, पुना सटियाल है, अभय पटेल जिंकनार, रमाकांत कोंडुस्कर जिंकनार असं बोललं। रमाकांत दादा वो मला, एक रमाकांत कोंडुस्कर आहे, एक अभय पाटील आहे। अभय पाटील तो आगे है, पुढे तो अभय पाटील 20,000 मतांमुळे पुढे आहे, 10,000 मतांना माग आहे रमाकांत कोंडुस्कर। याला आम्ही रमाकांत दादाला वोटिंग केलं हो, अजून आहे वेळ, असं नाही, ही सुरुवात आहे, सुरुवातीला बदलत जातात। काय खरं ते खरं बोलायचं, सात राउंड झालेले आहेत ना, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तस्वीर साफ होनी है, अभी राउंड अशोक खन्ना पट्टनवर गे, महेश तमन्नावर कुर्ची मतक क्षेत्र, महेश तमन्नावर जय कांग्रेस, ओन्ली कांग्रेस। ब्रेकिंग न्यूज की इस बार रवि पाटिल और राजू सेठ 9,100 और 9,500 इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से यानी कि बेलगाम नॉर्थ से राजू सेठ अब बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आवाम काफी सारी यहां पर देखने को मिले, और अक्सर यहां पर कांग्रेस की ही हिमायती क्योंकि तस्वीर ही कांग्रेस की नजर आ रही है, तो यहां पर भाजपा के झंडे भी परचम भी नजर नहीं आ रहे, भाजपा के लोग भी नजर नहीं आ रहे, अगर वो आए भी है तो कहीं तो अपनी पहचान छिपाए हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उन्हें पता चल चुका है कि भाजपा अब हारने वाली है और कांग्रेस हार चुकी है, लिहाजा देखते हैं कि जैसे जैसे क्या क्या अपडेट्स आते हैं। अभी तक तो तस्वीर साफ नहीं हुई है, 10,000 के करीब दोनों कांग्रेस और भाजपा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कयास के मुताबिक राजू सेठ 65,000 वोट ले सकते हैं तो रवि पाटिल 55,000, यानी कि 10,000 का ही फासला होगा। अभी तो 7 राउंड हुए, 23 राउंड बाकी है, तो बहुत सारी तस्वीर बदल सकती है और इसी का इंतजार आवाम को भी है। बेलगाम ग्रामीण से लक्ष्मण बाकर आगे, इसी तरह से बेलगाम साउथ से अभय पाटिल आगे है, और इसी तरह से अंजलि निंबाळकर 200 वोट से पीछे नजर आ रही, यहां पर भाजपा आगे खानापुर, लेकिन ये तो शुरुआती रुझान है, इसके बाद तस्वीर बदल सकती है। अभी बहुत सारे राउंड बाकी है, 23 राउंड बाकी है, अभी हो सकता है कि 10 बज चुके हैं, 1-2 बजे तक तस्वीर मुकम्मल हो सकती है। बेलगाम किंग मेकर सतीश जारकी और साना, किसके सपोर्ट में हम कांग्रेस? गणेश शुक्रे, मुप्पाने उत्तम पटेल, जय लक्ष्मण सोगे, महेश तमन्ना, महेश तमन्ना,
कांग्रेस कांग्रेस कुर्ची तमन्नूर कुर्ची कांग्रेस महेश तमन्नूर कांग्रेस कांग्रेस कुर्ची महेश तमन्नूर की जय। इसका सपोर्ट तो बात करता कांग्रेस कांग्रेस लक्ष्मण चौधरी कांग्रेस कांग्रेस शिक्केरी कांग्रेस कांग्रेस आएगा कांग्रेस बजरंग बली की जय जय बीजेपी यार सपोर्टर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कांग्रेस राजू सेठ राजू सेठ राजू सेठ राजू सेठ कांग्रेस 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 आम्हाला फक्त फक्त यायचं आहे करून आमचा कोंडुसकर दादा हे आम्हाला यायला पाहिजे निवडून आणि आम्हाला पळवायचा म्हणजे बीजेपीला। बिल्कुल एक खुशाइंद बात कह सकते हैं कि राजू सेठ अब लीडिंग ले चुके हैं और लीड में वो आगे चल रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल रवि पाटिल को पछाड़ा है। कांग्रेस यहां पर शिकस्त खाती नजर आ रही है, शुरुआती रुझान है लेकिन यही रुझान नतीजे में बदल सकते हैं। राजू सेठ 1000 वोट के करीब आगे चल रहे हैं तो इस तरह से अब 12-15 हजार की जो वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है उसमें राजू सेठ आगे हैं और रवि पाटिल पिछड़ चुके हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि रवि पाटिल 300 वोट से आगे चल रहे थे लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह से तस्वीर भी बदल दी जाएगी और राजू सेठ आसिफ राजू सेठ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भाजपा को कहीं तो शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पीछे भी देख सकते हैं कि कई सारे कांग्रेस के हिमायती हैं और वो भी कांग्रेस के हिमायती हैं और वो भी इंतजार में है कि किसी तरह से कांग्रेस की सीट जीत दर्ज करे। और आसिफ राजू सेठ अब रवि पाटिल से आगे चल रहे हैं। आसिफ राजू सेठ जो बेलगाम नॉर्थ से उम्मीदवार हैं तो वो जीत के करीब तो नहीं है बिल्कुल, अभी 20 राउंड बाकी हैं लेकिन अभी जो है तकरीबन आसिफ राजू सेठ रवि पाटिल को पछाड़ चुके हैं और वो आगे निकल चुके हैं। आसिफ राजू सेठ के हिमाचल यहाँ पर देख सकते हैं कसीर तादाद में है। अभी राजू सेठ के भाजपा हिमायतों का भाजपा हिमायतियों का जज्बा भी एक तवज्जो है जबकि वो हार रहे इसके बावजूद भी वो उनका जज्बा कुछ कम नहीं हुआ है। साथ में कांग्रेस के हिमायती भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं।
और भाजपा हिमायती जो कत्ती के हैं वो कत्ती जीतते नजर आ रहे हैं और लीडिंग में भी है, तो वो देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने कामयाबी का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के हिमायती बहुत कम तादाद में है लेकिन इसके बावजूद भी उनका आवाज कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस के हिमायती भी यहां पर हैं और आसिफ राजू सेठ अब रवि पाटिल से आगे निकल चुके हैं। हो सकता है कि आसिफ राजू सेठ जीत भी दर्ज करें क्योंकि कई सारे अभी भी राउंड्स बाकी हैं और उस राउंड्स में वो कामयाबी यकीनन दर्ज करेंगे। इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, लोगों में बहुत उत्साह यानी कि जोश जज्बा देखने में मिल रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस हिमायती अब आते हुए देखा जा रहा है। कांग्रेस के परचम यहां देखने को मिल रहे हैं, भाजपा के कुछ हिमायती यहां पर हैं और पहली सीट जीतने का ऐलान हो चुका है। सतीश जारकीवाली विन हो चुके हैं, सतीश जारकीवाली कांग्रेस के उम्मीदवार यमकन मंडी क्षेत्र से कामयाब हो चुके हैं और उनकी कामयाबी का ऐलान भी किया जा चुका है। आसिफ राजू सेठ तकरीबन 6000 वोटों से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उसी तरह से अभी कई सारे यहाँ पर राउंड्स बाकी हैं और इन राउंड्स में उनका जीतने के इम्कान हैं। अभी सिटी के शहरी सतह के अभी बॉक्सेस खुलने हैं और वो जब ईवीएम मशीन खुलेंगे तो बहुत सारे तस्वीर बदलती नजर भी आएगी। कुल मिलाकर एक यहाँ पर देखने में यह आया कि अंजलि निंबाड़कर पिछड़ती नजर आ रही है, यहाँ पर बीजेपी आगे चलती हुई है। इसी तरह से कुंडुस्कर अभय पाटिल से आगे निकल चुके हैं, तो कुंडुस्कर जिस तरह से कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति भाजपा को हरा सकती है क्योंकि मराठी वोटर्स ने मुत्तहिद होकर वोटिंग किया हुआ है और भाजपा के खिलाफ वोट किया हुआ है, तो इस बार महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तरफ मराठी वोटरों का रुझान ये इशारा करता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति फिर से वो पहले वाला दमखम दिखा सकती है। क्या इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। Okay.
अभी लोग बोलते हैं जो वादे किए थे कांग्रेस वो भी पूरा करेंगे। एक बार फिर तस्वीर बदलती नजर आ रही है बलराम साउथ को लेकर, जिस तरह से रमाकांत कोंडुस्कर की जीत यकीनी मानी जा रही थी, लेकिन अब जो है अभय पाटिल बढ़त हासिल किए हैं और जीत के करीब है बिल्कुल, और आखिरी एक राउंड बाकी है और 9000 वोटों से रमाकांत कोंडुस्कर पीछे है। उसी तरह से अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ में अभी भी बहुत सारे राउंड बाकी है और तकरीबन 4000 के करीब राजू सेठ आगे हैं। 40,000 वोट राजू सेठ को गिरे हैं तो रवि पाटिल को 37 वोट हैं। इसी तरह से समिति भी काफी वोट लेती हुई नजर आ रही है। ये थे फिलहाल, और सऊदी जीत चुके हैं, इसी तरह से सतीश जारकीहोली भी जीत चुके हैं। एक और खानापुर में बहुत बड़े फासले से अंजलि निंबाड़कर हारती हुई नजर आ रही है, वही लक्ष्मी बढ़कर जो है 30,000 वोटों से लीड नजर आ रही है। वहां पर समिति ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया हुआ है और उसके मुकाबले में भाजपा वहां भी
पिछड़ती नजर आ रही है वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है, भाजपा जो है तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और जो समीकरण देखा जा रहा था कि रमाकांत कुंडुस्कर इस बार जीतेंगे क्योंकि आवाम ने उनके खिलाफ नाराजगी और उनके जमीन माफिया के तौर पर उन्हें पेश करने की कोशिश की, तमाम प्रयास धरे के धरे रह गए। और यहाँ पर अभय पाटिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 9000 वोट कोई कम नहीं है, जो फासला है वो फासले को पूर करना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अभय पाटिल पर लगातार कई सारे कयास अराइयां लगाई जा रही थी, कुंडुस्कर जीतेगा और कुंडुस्कर कामयाब होगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। पाटिल ने आखिर में जीत दर्ज, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक माहौल बनाया गया था कि वो जमीन माफिया है, लोगों पर अत्याचार है, इस तरह से उस पर क्या कहेंगे कि आवाम ने एक फैसला दिया हुआ है? उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि जो विकास है हमारे लिए अच्छा है, जो एजुकेशन में जो स्टूडेंट के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं सब, इसके लिए हम बोल सकते हैं। उसके अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारे को जो चाहिए हम उतना ही बोल सकते हैं। हमारे का दक्षिण विभाग में जो विकास हुआ है, पानी, रोड, जो गटर, जो मंदिर का, जो एजुकेशन में विद्यार्थी लोगों का, हॉस्पिटल के लिए जो उनका ध्येय है, जो ध्येय घटने के लिए हम उनको चुनकर लाई है, इतना मैं बोल सकता हूँ। सर, सरकार पूरी तरह से भाजपा की चली गई है, पूरी तरह से कांग्रेस हुकूमत बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सरकार चली गई नहीं, सरकार दोबारा बनेगी, दोबारा आएगी, बीजेपी सरकार ही बनेगी। मतलब ऑपरेशन कमल करने का इरादा? ऑपरेशन कमल ही होगा, 100% ऑपरेशन कमल। हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बीजेपी बाहर देश रहेगी तो ಪ್ರತಿಯೊಂದ ದಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ದಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಒಟ್ಟ ಗಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಮತ್ತ ಹಾಕಿ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮತ್ತ ಬಿದ್ದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ದೇವ್ರ ತಂದಾರ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತಂದ, ನಾವ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗರೀಬ್ ಬಂದು ತಂದಾರ, ಬಡವರು ತಂದಾರ, ಬಡವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಾರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಡವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ದಾರ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿರಾಜು ನಾವ್ ಹೋದ रियासत में जिस तरह से कांग्रेस की हुकूमत बताई जा रही है, इसके पीछे भाजपा जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही थी, हमेशा जो है जात धर्म को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस को एक बहुमत के आंकड़े तक ले जाकर पहुंचाया है, उससे भी ज्यादा 113 जादुई आंकड़ा है, लेकिन 130 के आगे कांग्रेस पहुंचती नजर आ रही है। लिहाजा जो जितने भी पैंतरे भाजपा की जानिब से खेले गए थे, तमाम पैंतरे नाकाम होते नजर आ रहे हैं, और यही आज की तस्वीर यहाँ बेलगाम में देख सकते हैं और पूरी रियासती सतह पर इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। Yeah.
दर्ज की हुई है सर, अगर पार्टी ने तो जीत दर्ज की हुई है, लेकिन हुकूमत तो कांग्रेस की आ रही है और आप बजरंग दल का झंडा लेकर खड़े हैं। बजरंग दल पर पाबंदी की बात कही गई है, आप इस पर क्या कहेंगे? पाबंद क्यों करते हैं? हम पहले भारतवासी है और भारतवासी बजरंग दल भारत के लिए काम करता है, वो पाबंदी क्यों? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। फिर लोग क्यों वोट कर रहे हैं कांग्रेस को? वो लोगों का आपस का मामला, आप क्यों करते हैं? आपका आपस का मामला, और हम बजरंगी है, बजरंग दल को भी सपोर्ट करेंगे। अभय पटेल की जीत के बाद एक बार फिर तशद्दुद का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर जीत भी दर्ज नहीं है, एक तरह से तशद्दुद का माहौल देख रहा है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जानबूझकर माहौल को आलूदा करने की कोशिश भाजपा के कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है। उस तरफ कांग्रेस के कारकुनान है और इस तरफ भाजपा के हैं, और यहाँ पर जानबूझकर पटाखे लगाए जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लिहाजा इसे शरारत में तब्दील करते हुए देखा जा रहा है इस जश्न को, इस जुलूस को। यहाँ देख सकते हैं किस कदर यहाँ पथराव भी होते हुए देखा जा रहा है, पथराव करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर देख सकते तशद्दुद का माहौल, अभी जीत दर्ज भी नहीं हुई है मुकम्मल। यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस कारकुनान के ऊपर पुलिस बिल्कुल एक तरह का तशद्दुद का माहौल। अभी अभय पाटिल जीत दर्ज कर कुछ लम्हे ही नहीं हुए, लेकिन किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। हम सभी देख सकते हैं कि कांग्रेस कारकुनान पर यहाँ हमला करने की कोशिश भाजपा के, एक तरफ जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे, अभी कुछ लम्हे जीत दर्ज होकर हुए भी नहीं, और यहाँ तशद्दुद को कायम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की जीत के बाद पहला मौका, कुछ लम्हे गुजरे ही नहीं, तशद्दुद को कायम करने की कोशिश। Thank you.
तो जब वो खुलेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी, वो खुलेगी तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। लिहाजा लक्ष्मी हब्बाकर बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन ये भी बड़ा काबिल तवज्जो बात रही कि जिस तरह से समिति 22,000 वोट ले चुकी है, और यहाँ पर बेलगाम नॉर्थ में भी हम देख सकते हैं कि 2,000-2,500 से आगे निकल चुकी है, यानी कि तकरीबन ये 10-15,000 तो वोट समिति ले सकती है, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है। उसी तरह से एक पेटा यहाँ पर कुटजी से आप अथनी जिंदाबंदी दे लक्ष्मण सऊदी अवर खचित आगे 25,000-30,000 लीड नम कांग्रेस पक्ष की जय आगली। यहाँ पर लक्ष्मण सऊदी के हिमायती हैं और उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करने की बात की है, और बिल्कुल एक तरह की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बेलगाम नॉर्थ ग्रामीण साउथ रूरल ये जो है यहाँ पर धीमी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन अभी तेजी से नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के समर्थक कहीं पर नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आप अगर कत्ती के समर्थक कहेंगे थोड़े हैं वही नजर आ रहे हैं, कहीं पर भाजपा का परचम भी नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं, एक तरह की नई दिशा मुल्क की सियासत को भारत जोड़ो के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक माहौल नजर आया। एक तरह का जोश और जज्बा बेलगाम नॉर्थ आसिफ राजू सेठ के हक में वोटिंग ज्यादा होती हुई रुझानों में नजर आ रहा है, लेकिन अभी खुलकर नहीं, क्योंकि अभी भी रवि पाटिल 3,000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। बहुत पुराना समिति का समर्थक है यहाँ पर ज्ञानदेव, बहुत पुराना है, आज भी समिति का झंडा थामे हुए। बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि साउथ से रमाकांत कुंडुस्कर अब अभय पाटिल को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या गारंटी? हम बीजेपी को पूर्ण रास्ते पे लाने वाले हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति कभी भी आ सकती है, लेकिन बीजेपी को रास्ते पे लौटे है। बीजेपी को रास्ते पर लाने का फैसला समिति ने किया हुआ है, यहाँ देख सकते है एक तरह का जोश जज्बा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र एकीकरण का अभय पाटिल विरोधात मतदान होण्याचं कारण काय? अभय पाटिल दक्षिण मतदार संघाचा शेतकऱ्यांचा लुटारू नेता आहे, आणि हा अभय पाटलांना मराठी माणसांच्यावर एवढी कळचपी केलेली आहे, कारण अन्याय इतक का झालेला आहे की गरिबांचे शेतकरी गरिबांची घरं पाडवायचं काम केलेलं आहे, आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना पकडून मराठीचेच कार्यकर्ते ते आमच्यावर अत्याचार केलेला आहे। ज्या प्रकारे पाचवी मतक्षेत्रात मराठी कुठेतरी समितीकडे परत पलटताना दिसतोय, तर येणाऱ्या दिवसात काय परत समितीचं जे अस्तित्व जे गेलं ना ते परत स्थापित केलं जाईल? 100% बेळगाव शहरामधल्या दक्षिण ग्रामीण आणि खानापूर या 300 समितीच्या येणार आहेत, आणि हीच अपेक्षा आहे आम्हाला सीमा प्रश्नाची सुप्रीम कोर्टाकडून। Yeah!
जिम पड़े क्या बोल रहा हूँ सुनो उनको तो समझ में आ रहा है चलो चलो